रोहन के माता पिता बहुत गरीब थे। रोहन के पिता कपड़े सिलने का काम करते थे और उसकी माँ घर संभाल लेती थी। वो और उसकी छोटी बहन रीना एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। रोहन अपने माता पिता की स्थिति को जानता था, इसीलिए वो कभी भी उनसे किसी चीज की मांग नहीं करता था। रोहन भैया, आपकी स्कूल ड्रेस पीछे से फट गई है। मैं अभी पापा से कह देती हूँ, वो आपको नई ड्रेस दिला देंगे। नहीं रीना, अभी पापा के पास पैसे नहीं होंगे, इस महीने बहुत खर्चा हो गया है। अगले दिन रोहन का जन्मदिन था। रोहन भी चाहता था कि वो भी सभी बच्चों की तरह स्कूल में चॉकलेट्स बांटे और सभी उसके लिए तालियां बजाएं, उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। लेकिन वो ये सब अपने पापा से नहीं कहना चाहता था। अपने मन में ही इस ख्वाहिश को दबाए हुए रोहन बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह हुई और रोहन की आंखें खुली। सभी लोग घेरा बनाए हुए रोहन के पास खड़े हुए थे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन की शुभकामनाएं बेटा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। एक पीली पॉलीथिन में लिपटी हुई कोई चीज पापा ने रोहन के हाथ में थमा दी। पापा ने अपने हाथों से रोहन के लिए स्कूल का नया बैग सिला था। रोहन बैग को पाकर काफी खुश था। उसने चलती से अपनी किताबें नए बैग में रखी और नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचने पर रोहन के सभी दोस्तों ने रोहन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रोहन को अचानक से चॉकलेट्स की बात याद आ गई। क्लास में अगर दोस्तों ने मुझसे चॉकलेट्स मांगी तो मैं क्या कहूँगा? अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो? ये सब सोचकर रोहन एक बार फिर से दुखी हो गया। खैर, प्रार्थना के बाद सभी लोग क्लास में पहुंचे। सभी बच्चे एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग मैम। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैम, क्या आपको पता है आज रोहन का जन्मदिन है? अरे रोहन, यहाँ पर आओ। रोहन बहुत घबरा गया। वो मुंह लटकाए हुए मैम के पास जाकर खड़ा हो गया। सभी बच्चे रोहन के लिए तालियां बजाओ। रोहन, अब तुम क्लास में चॉकलेट्स बांट सकते हो। मैम, मैं तो चॉकलेट्स लाया ही नहीं, मैं भूल गया। अरे रोहन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए मैम, इसका बैग तो चॉकलेट से भरा हुआ है। रोहन भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसे खोलकर देखा। बैग सच में चॉकलेट से भरा हुआ था। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बैग से चॉकलेट्स निकालकर पूरी क्लास में बांट दी। लेकिन रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी चॉकलेट्स आखिर उसके बैग में आई कहां से? स्कूल के बाद जब रोहन घर वापस गया तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे बैग में इतनी सारी चॉकलेट्स क्या आपने और पापा ने रखी थी? नहीं बेटा, माफ करना, घर की चिंता में मैं पूरी तरह भूल गई कि जन्मदिन पर स्कूल में चॉकलेट्स बांटने हैं। माँ की बात से तो ये साफ लग रहा था कि उन्होंने बैग में कोई चॉकलेट्स नहीं रखी थी। रोहन इस सोच में पड़ा ही था कि माँ की आवाज आई, अरे रोहन, तुझे इतने सारे गिफ्ट किसने दिए? कौन से गिफ्ट? जो तेरे नए बैग में रखे हैं, ये देख, पेंसिल बॉक्स, बोलने वाला रोबोट और ये गुड़िया। किसने दे दी तुझे? इससे तो लड़कियां खेलती हैं। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो जादू है। क्या बोला? जादू? कैसा जादू? किसने दिए हैं ये गिफ्ट और कौन देगा? माँ, मेरे दोस्तों ने दिए हैं। रोहन ने माँ को जादुई बैग के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज उसने अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट्स भी बांटी थी
और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स भी मिले थे। वो और उसकी बहन रीना कमरे में जाकर खेलने लगे। उसका ये जन्मदिन आज तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था और ये सब जादुई बैग के कारण ही हुआ था। भीमापुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में बहुत सारी नदियां और पहाड़ थे जिसके कारण गांव बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। नदी के बीच एक बहुत सुंदर टापू था जहां लोग घूमने फिरने जाया करते थे। टापू नदी के बीचों बीच था इसलिए टापू तक जाने के लिए वो लोग नाव का सहारा लेते थे। किशन 8 साल का एक बच्चा था जो बहुत ही शैतान था। वह उसी गांव में अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता था। छुट्टी वाले दिन की बात है। पिताजी आज मेरे स्कूल की छुट्टी है इसलिए मेरे सारे दोस्त अपने माता पिता के साथ टापू पर जा रहे हैं। आप भी मुझे टापू लेकर चलिए ना। हाँ हम भी बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। चलिए आज हम सब टापू पर चलते हैं। किशन के पिताजी मान जाते हैं और सभी लोग टापू पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी देर में किशन अपने माता पिता और दादा दादी के साथ नदी पर पहुंच जाता है। अरे नाव वाले भैया, टापू तक ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? भैया जी मैं 4 सवारी के 40 लूंगा। चलो हम सबको टापू पर छोड़ दो। भैया जी आज टापू पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप अपने बच्चे का ध्यान रखना। हाँ भाई ठीक है। थोड़ी देर में सभी लोग टापू पर पहुंच जाते हैं। नाव वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था, आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ। हाँ आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम सब किशन का ध्यान रखना। इतना कहकर किशन के पिताजी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। पूरा दिन किशन का परिवार टापू पर घूमता है और शाम 6 बजे जब अंधेरा होने लगता है तब अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। सब लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन ये क्या, किशन तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। अरे अभी तो किशन यहीं था, मेरा हाथ पकड़कर खड़ा था, अचानक कहाँ चला गया? ढूंढो जल्दी करो। सब लोग जल्दी जल्दी किशन को ढूंढने लगते हैं और किशन की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पूरा टापू ढूंढते हैं लेकिन किशन का कहीं पता नहीं चलता। किशन के माता पिता के लिए दूसरे लोग भी उनके बच्चे किशन को ढूंढने में मदद करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, किशन कहीं भी नहीं मिलता। अंधेरा हो जाता है और टापू भी खाली हो जाता है। पूरा टापू खाली होने के बाद भी किशन का कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर किशन के माता पिता घर आ जाते हैं। कल सुबह मैं टापू में फिर जाकर अपने किशन को ढूंढ कर आऊंगा और नहीं अगर मिला तो पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा। किशन की दादी माँ और दादाजी का रो रो कर बुरा हाल होता है। अगले दिन सुबह किशन के पिताजी और किशन के दादाजी दोनों टापू पर जाते हैं। आज के दिन टापू पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती, केवल वही दोनों टापू पर दिखाई देते हैं। देखो वहाँ नदी के किनारे मुझे किशन दिखाई दे रहा है और उसके साथ कोई लड़की भी बैठी दिखाई दे रही है। हाँ आप सही कह रहे हैं, वह किशन ही है। चलिए हम नदी के किनारे पर चलते हैं। किशन के पिताजी और दादाजी नाव से नदी के दूसरे किनारे पर जाते हैं। जैसे ही किशन उनको दूर से आता हुआ देखता है तो चिल्लाता है, पिताजी दादाजी। दादाजी और पिताजी किशन को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग कितना परेशान हुए। पिताजी कल मैं भीड़ की धक्का मुक्की में पानी में गिर गया था और मैं गहरे पानी में चला गया था। गहरे पानी में जाकर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तब मैं जलपरी की गोद में सर लगाकर लेटा हुआ था। जलपरी ही मुझे किनारे पर ले आई और उसने मेरी जान बचाई। आप आइए मैं आपको जलपरी से मिलवाता हूँ, मैं यहीं मेरे साथ बैठे बातें कर रही थी। और किशन दादाजी और पिताजी को लेकर वहाँ जाता है जहाँ पर बैठ कर जलपरी से बातें कर रहा था लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा होता। अरे ये जलपरी कहाँ गई, अभी तो यहीं बैठी थी। पिताजी वह यहीं बैठी थी। हाँ बेटा हमने भी दूर से तुम्हें जब देखा था तो तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ था, पर वह कहाँ चली गई? किशन जलपरी को यहाँ वहाँ देखता है पर जलपरी कहीं भी नहीं मिलती।
किशन के पिताजी और दादाजी किशन को लेकर घर आ जाते हैं। उसकी माँ और दादी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। किशन कई दिनों तक अपने घर में जलपरी की बातें करता रहता है और उसके बारे में बहुत सी बातें अपनी माँ और दादी माँ को बताता है। लेकिन धीरे धीरे किशन बड़ा हो जाता है और जलपरी को धीरे धीरे भूलने लगता है। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे भी उगा करते हैं और ये जगह तो मछलियों को बेहद पसंद आती है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियाँ आकर रहा करती थी। अंडे देने के लिए तो तकरीबन सारी मछलियाँ उसी जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। नील कमल मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही हमेशा संकट को टालने के उपाय में लगी रहती थी और फिर रानी मती मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। कमला मछली का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात तो एकदम फिजूल है, अरे करने कराने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले हो गया होता। जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पता है फिर क्या हुआ? एक दिन शाम को सभी मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर वापस जा रहे थे, क्योंकि बहुत कम मछलियाँ उनके जाल में फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे उदास दिख रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी थी। वो मछुआरे ये नजारा देखकर चौंक गए। एक मछुआरे ने अंदाजा लगाया कि लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय है, जहां पर इतनी सारी मछलियां पल रही हैं कि मछली खोर पक्षियों के भी मौज हो रही है। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उन मछलियों को ललचाई भरी नजरों से देखने लगे कि तभी दूसरा मछुआरा बोला, आहा, वाकई ये जलाशय तो मछलियों से भरा हुआ है। छोटी बड़ी हर तरह की मछली जो हमारे खाने के काम भी आएगी और बेचने के काम भी। आज तक हमें क्यों नहीं पता लगा इसके बारे में? यहाँ हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे, अरे हमारे लिए तो सोने पर सुहागा होगा। तीसरे ने कहा, अब तो शाम घिरने वाली है दोस्तों, चलो अभी चलते हैं और कल सुबह आते ही यहाँ जाल डालेंगे, समझ गए ना? इस प्रकार सारे मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करने लगे। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। नील कमल मछली कहने लगी, साथियों तुमने मछुआरों की बातें सुन ली ना, अब तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी जान को खतरा है। और फिर तुमने अपने कानों से तो सुनी है खतरे की सूचना, समय रहते हम सबको अपनी जान बचाने का तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ, उसके बाद चाहे मछुआरे आए अपना जाल फेंके तो मेरी बला से तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। इस पर रानी मती मछली बोली, अब तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ना आऊंगी। देखो डरपोक कहीं की कितना डरती है मछुआरे से। हमें इतना घबराने की जरूरत थोड़े ही है, हो सकता है कि कल को हम पर संकट ही ना आए। उन मछुआरों का आने का कार्यक्रम बदल भी तो सकता है, हो सकता है उनके जाल कल रात ही रात में चूहे को तर जाए या फिर उन्हीं की बस्ती में कहीं से आकर आग लग जाए। अरे भूचाल भी तो आ सकता है, और नहीं तो रात ही रात में मूसलाधार बारिश भी तो पड़ सकती है उनके ऊपर, बाढ़ से उनका सारा गांव बह सकता है, इसलिए उनका आना अभी निश्चित नहीं है।
जब वो आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। मैं कोई मगरमच्छ हूँ जो उनके जाल में फंस जाऊंगी आसानी से। इस पर कमला मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। अरे बहनों, भागने से अब तक कुछ हुआ है जो आगे हो जाएगा। हैं? मछुआरों को आना है तो आ जाएंगे। अरे हमें उनके जाल में फंसना है तो हम फंस ही जाएंगे ना। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, बोलो। इस प्रकार नील कमल मछली तो तुरंत ही वहाँ से चली गई। रानी मती और कमला मछली जलाशय में ही रह गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर उसी जलाशय के पास आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने। उन्हें तो मछलियों का लालच पहले से ही था। रानी मती मछली ने संकट को आए देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तो 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है, वो उसके बचाव के काम आ सकती है। रानी मती मछली जल्दी से उस लाश के अंदर चली गई। लाश सड़ने लगी थी लेकिन रानी मती मछली को तो अपनी जान बचाने की लगी थी। सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर वो बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रानी मती मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। मछलियां तो जैसे तड़पने लगी, उनके लिए जल ही तो जीवन था। परंतु रानी मती मछली अपना दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही, जैसे मछुआरों को ये लगे कि ये मछली ऊद बिलाव के पेट के अंदर जाकर उसकी सड़ी हुई बदबू से मर गई है। और दोस्तों हुआ भी यही। मछुआरे को सड़ांध का भभका लगा तो वो मछलियों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने बेसुध पड़ी हुई रानी मछली को उठाया, उसे सूंघा। हाय राम, छी, ये मछली तो कई दिनों की मरी हुई है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रानी मती मछली को वापस जलाशय में फेंक दिया। रानी मती मछली तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकली, अपनी किस्मत को वाह वाह करने लगी। पानी में गिरते ही उसने ऐसा गोता लगाया कि जलाशय की गहराई में जाने का खो गई। सुरक्षित गहराई में जाकर ही उसने अपनी जान की खैर मनाई। उधर कमला मछली भी मछुआरे के जाल में फंस चुकी थी। कमला मछली एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमला मछली ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान गवा दी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। अपने हाथ पांव चलाने से ही अपनी किस्मत को इंसान रचता है।